हाय फ्रेंड्स, शुभांगीज किचन में आपका स्वागत है और मैं शुभांगी। आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच। ये बनाना बहुत ही सिंपल है और कुछ ही मिनटों में ये तैयार भी हो जाता है। तो चलिए सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड यूज़ किया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, घी, नमक स्वाद अनुसार, मेयोनीज, प्याज की स्लाइसेस, टमाटर की स्लाइसेस और खीरे की स्लाइसेस। तो सबसे पहले हम ब्रेड लेते हैं और इस पर मेयोनीज लगा देते हैं। एक एक करके हमें सभी ब्रेड के स्लाइसेस को मेयोनीज लगा देना है। मेयोनीज लगाने के बाद हम लाल मिर्च पाउडर इस ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे। आप यहाँ पे चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पे नमक डालेंगे। नमक बहुत ही कम यूज़ करना है हमें, नहीं तो सैंडविच का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। अब हमने जो स्लाइसेस कट करके रखी हैं टमाटर, प्याज और खीरे की, वो इस पे एक एक करके ऐसा रख देते हैं। तो ये एक ब्रेड मैंने बना दिया है वैसा, सेम ऐसा ही हमें दूसरा भी कर देना है। अब हम इस पे जो बची हुई दो ब्रेड हैं वो ऐसी रख देते हैं। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और इस पे थोड़ा सा घी डाल देते हैं। यहाँ पे आप तेल या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो सैंडविच बनाया है वो रख देते हैं इस पे और 1 से 2 मिनट तक इसे हम फ्राई होने देंगे। एक चम्मच की मदद से आप ऐसा थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए ताकि ये अच्छे से सेक जाए। थोड़ा सा और घी डाल देते हैं। 2 मिनट के बाद हम इस पे और थोड़ा सा घी डाल देंगे ऊपर से और इसे पलट देते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है इसे। अब हम इसे और 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी हुआ है। मैं इसे अब सर्व कर लेती हूँ। तो हमारा सैंडविच तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिले मेरे रेसिपी की अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।